टीम तगड़ी है। अपने पत्रकार मुरैन आवाज कह रहे बदल गया थे मनुष्य का ध्येय है। जब हम थोड़ा सा जीवन की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि केवल इतना सा मनुष्य का ध्येय नहीं है, मनुष्य होने की बड़ी संभावना है, एक बड़ी पोटेंशियल है। और वो कुछ भी, बुद्ध भी हो सकता है, शंकराचार्य भी हो सकता है, कलाम भी, नेहरू भी हो सकता है, गांधी भी हो सकता है, कोई भी महान शक्ति हो सकता है, कोई बहुत सा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई बहुत सा पेंटर हो सकता है, कोई बहुत सा म्यूजिशियन हो सकता है, हमारे जीवों को सेटिस्फाई करेगा बहुत सारी चीज़ है ना। तो मैं कहूँगा कि मेरा तो ऐसा हम करते हैं। तो ये कहते हैं एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताते हैं क्या। खाना खाना सोच के बताइए, क्या खाना खाने के लिए किसी भी पीछे पड़ना जरूरी है। कुदरती चीज भी है, उसको कहते हैं भूख। जब तक भूख लगती है अक्सर ये समस्या अमीरों के घरों में ज्यादा होती है। गरीब बच्चा तो पूरा नहीं होगा, मम्मी भूख लगी है खाने को, यस भूख लगी है खाने को। भूख होती है वो उसकी इंटरनल डिजायर होती है, वो उसकी नेचुरल डिजायर होती है, वो खुद मांग के खाना खा सकता है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, हम बच्चों के पीछे और ये ऐसी
आदत है ऐसा करने को हर घर को अच्छा भी मानते हैं कि बच्चे के पीछे खाना लेके दौड़ना, बच्चे के पीछे झूलने के दौड़ना, और हम कहते नहीं करना पड़ता है, नहीं खाता नहीं है, पीता नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर बच्चा नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है, तो ये इंसान की बात नहीं है। सबके खाने की एक आदत अलग अलग हो सकती है, और जब उसे भूख लगे तो वो खा ले, और वैसे भी अगर आप समझदार है और तो समझ किसी को आप समझ लीजिए, समझते हैं कि बिना भूखे खाने का कोई मतलब नहीं है, बिना भूखे खाने का कोई मतलब नहीं है, और हर बच्चे के खाने पीने का धर्म पैटर्न अलग अलग है। मेरे बीच में एग्जाम्पल है, हम पूरा घर में चला करने वाले शुरुआत लोग टेबल कुर्सी लगा रखी है, हमने उसको लैपटॉप दिला रखा है, बढ़िया